हम आपके साथ में क्या शिकायत करने पहुंचे हैं? अरे सर, हम ले था खेत में, मेरी मिसेज थी सर, और ये अधिकारी आए कि नहीं, तो दोनों बात ने थे बाकी उधर से गुस्से बाकी इधर से, और मेरे घर वाले को मेरे घर के बर्तन भांडे फेंक फाक करे और कहीं शराब का है। मेरे भाई बाजू था, बाजू में मेरे भाई का घर है, उनके भी बर्तन भांडे फेंके, तो हम तो राधे से आने वाले, वो चीज़ में है नहीं, हम खाना पीना ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये लोग ज़बरदस्ती आए, वो काय के बारे में आए, क्या जलन थी मेरे से, क्या मान, मेरे गांव में बेइज्जत कर दिए कुछ मेरे को। लोग बोल रहे हैं कि भाई सरपंच के घर जब घुस गए तो दूसरे लोगों को आम आदमी का क्या होगा? कौन घुसे थे ये? मतलब आबकारी। क्या नाम है उसका? क्या मिला, कुछ मिला उनको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला सर। क्या मिलेगा वहाँ है क्या? क्या नाम आपका? आसारा पत्तू मान लेकर। आज यहाँ पर शिकायत करने पहुँचे थे आप? हमारे साईखेड़ा खुर्द के सरपंच हैं, उनके घर पर दादागिरी पूर्वक दारू ठेकेदारों के कहने पर एक ASI है कोई मोरे, वो वहाँ पर उनके घर में घुसकर जांच करना और डराने धमकाने का काम और अभद्रता का व्यवहार सरपंच और उनकी महिला के साथ में हुआ, जिस प्रकार से किया गया, इसको लेकर आज हम सब यहाँ पर सम्माननीय SP महोदय और कलेक्टर महोदय से हमने एक ज्ञापन दे के बात की है कि ये पूरे गांव-गांव में ढाबों पर, होटलों में, किरानों की दुकानों पर शराब बिक रही है, वो तो ये अधिकारियों को, एक्साइज वालों को नहीं दिख रहा है। बाकी ये जो शराब जो कि गांव में राधा स्वामी सत्संग के माध्यम से गांव को सुधारने का काम गांव के जब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, तो उनको डरा धमका कर इस प्रकार की जो हरकत, ऐसे तो ऐसे कर्मचारी को तुरंत इस पर कार्रवाई करके FIR दर्ज की जाए कि उसने घर में जाकर महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और सरपंच को डराने का काम किया। सरपंच के घर को शराब मिली है? कोई शराब नहीं, कोई कुछ नहीं, उनके घर में सिर्फ दूध के सिवाय कुछ नहीं मिला। इसी की बौखलाहट थी कि उन्होंने सरपंच को इस प्रकार से अभद्रता के साथ गाली गलौज करने का वहाँ पर काम किया। शिकायत थी इनकी और क्या अब इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तो इन लोगों ने शिकायत की है और इसमें कोई साईखेड़ा खुर्द कर नेपा नगर का गांव है, वहाँ हमारे सभी क्षेत्र गए होंगे, उनको जो भी सूचना मिली होगी, अभी चूंकि मुझे दूसरा पक्ष का मालूम नहीं है, और उसके आधार पर जो भी उनने कार्रवाई की, अगर ये बता रहे हैं प्रावधिकता की गलत तरीके से घर की जाँच की है, तो उस पर हम देखते हैं, अभी दूसरे पक्ष से जब सदस्यता उससे पूछेंगे, उसके आधार पर देखते हैं जो गलत होगा। सर, मुखबिर द्वारा सूचना दी थी कि शराब है, तो क्या शराब मिली वहाँ पर? देखिए, मुखबिर अगर सूचना तो हमको बहुत सारी मिलती है, आप लोगों के माध्यम से भी मिलती है, मुखबिर के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, और ये पक्का कभी नहीं रहता कि वहाँ हमेशा शराब मिलेगी। आपने सूचना दी तो चल यार शराब हट गई, हम जाते हैं, विधिवत कार्रवाई होती है, ना मिलने की भी कार्रवाई होती है, खाली पंचनामा बनता है, खाली शराब, जब हम पहुँचे कुछ नहीं मिला, और एक पंचनाम बनते हैं बाकायदा, जो उपस्थित होगा वहाँ पर उसके साइन होते हैं कि हमको कुछ नहीं। क्या जाँच होगी सर इसमें? हाँ बिल्कुल, जाँच करवाएंगे।